हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321322। तापानी अभयारण्य को केंद्र द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित करने संबंधित हरी झंडी पहले ही मिल चुकी है। केंद्रीय वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव की फाइल को बंद कर दिया है। दरअसल लंबे समय से रातापानी को बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता राशिद नूर खान ने बताया कि माफियाओं और रसूखदारों के दबाव में सरकार अब तक रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित नहीं कर पाई है। मंत्रालय स्तर पर भी रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में बाघ और अन्य कई वन्य प्राणियों पर संकट गहराता जा रहा है। तो रातापानी अभयारण्य को अब भी इंतजार है कि कब उसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। केंद्र की तरफ से भी इसको हरी झंडी मिल चुकी है। केंद्र वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी इसे सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन की तरफ से इसकी फाइल को बंद कर दिया गया है। लंबे समय से बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की लगातार मांग की जा रही है, और जो शिकायतकर्ता राशिद नूर खान है वो भी कई बार इस मांग को उठा चुके हैं, लेकिन माफियाओं और रसूखदारों के दबाव में सरकार अब तक इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि अगर इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा तो यहां पर वन्य प्राणियों के लिए कई सुविधा होगी और इसके साथ ही यहां पर कई कड़े कानून भी लागू हो जाएंगे। बाघ राज का दर्जा जो हमारे मध्य प्रदेश में ये भी लगातार बना रहे, तो कहीं ना कहीं इसको केंद्र सरकार की मानते हुए राज्य सरकार को इस पर अमल करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार इस पर अमल नहीं करती दिख रही है। टाइगर रिजर्व के लिए विशिष्ट प्रकार के मापदंड हैं और उन मापदंडों को ध्यान में रख के करना पड़ता है। वो इमीडिएटली टाइगर रिजर्व घोषित नहीं होता है, और टाइगर रिजर्व तो केवल कागज़ में है, लेकिन आज भी टाइगर्स वहाँ पर लोगों को आसानी से दिखते हैं। ज़रूरी ये है कि लोगों को आसानी से दिखें।